हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देव की नगरी। मैं सप्पू शास्त्री और आपका दर्शन करा रहा हूँ आज माँ सुरेश्वरी देवी का। ये सुरेश्वरी देवी का ये पौराणिक स्थली है और एक गेट है जो हम लोग राजा सुनल पार्क में जाएंगे और देखेंगे। ये इसका जो फ्रंट दिख रहा है राजा सुनल पार्क का, ये गेट राजा सुनल टाइगर रिजर्व हरिद्वार रानीपुर लिखा है। तो गाइस, आपको आगे बढ़ते हुए मैं कुछ ही क्षणों में मैं आप सुरेश्वरी देवी के दरबार में चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं वहाँ का मंदिर का रूपरेखा, और मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा और रास्ते का दृश्य भी दिखाऊंगा आपको। मिलता हूँ। तो गाइस, ये वन विभाग का भवन रानीपुर स्वागत है। अलग अलग मार्ग चलता है और ये माँ सुरेश्वरी देवी का रास्ता चल रहा है। बाकी इस एरिया में सब वन विभाग का ऑफिस बने हुए हैं और आपको बता दें कि बहुत ही एक सुंदर जगह है और यहाँ पे कार्य हो रहा है। ये जो सड़कें हैं, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, माँ सुरेश्वरी देवी एकदम वहाँ जाने के बाद ये लग रहा है कि मन में शांति ही होना है। जय माँ सुरेश्वरी देवी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गाइस, ये जो देख रहे हैं सड़कें अभी तो बन चुकी हैं और ये आगे झाल टाइप का है जो नदी, जो जानवर पानी पीते हैं उनके लिए है, ये सोता टाइप का। और इस घनघोर जंगल में ये देखिए पानी का जो दृश्य है, और ये कुछ आदमी जो जा रहे हैं, ये देखिए पानी का जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जानवर को पीने के लिए होता है। और ये बहुत बढ़िया दृश्य है और आप लोग से बताना चाहते हैं कि इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ माँ सुरेश्वरी देवी एकदम शांति जगह बैठी हुई हैं और मेरे मन में एकदम बेचैनी है कि कितना जल्द मैं उनके पास पहुँचूँ। तो गाइस, अब बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। ये देखिए रास्ते में कई ग्राउंड मैंने पानी देखा है, मतलब यहाँ पे ये जो पानी का जो सोता है बहुत अच्छा है कि कभी भी कोई भी जानवर बिना पानी के नहीं रह सकता है। शुद्ध पानी है जंगल का। और ये दृश्य देखिए, पहाड़ कितना ऊंचाई हिल पे है और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में। गाइस, अब देखिए माँ सुरेश्वरी देवी का मंदिर दिखना शुरू हो गया और उनका गेट भी दिख रहा है। और हमको लग रहा है कुछ निर्माण का कार्य हो रहा है ये रास्ते में। तो ये देखिए मेन गेट है माँ सुरेश्वरी का और ये मंदिर आ गया। हम लोग तो बहुत खुश हैं। ये लग रहा है पाइप वाइप कुछ लगा रहे हैं लोग जो है रास्ते के लिए। रास्ता बन रहा है। गाइस, ये आ गया मंदिर माता जी का। और ये देखिए कितना सुंदर जगह है, कितना शांति जगह है। ये सारे पहाड़ और सारे चीजें, मतलब गजब का अद्भुत हो रहा है। मजा आ गया ये दृश्य देखने के बाद। मैं और अंदर लेके चल रहा हूँ आप लोग। आ गए माँ सुरेश्वरी देवी के दरबार में। ये इनका माँ सुरेश्वरी देवी का और सुरेश्वर महादेव जी का मंदिर का है। अभी हम लोग ऊपर चलेंगे और आप लोगों को दिखा रहे हैं ये पूरा दृश्य। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति जगह है।
मज़ा आ रहा है। और ये जो ये बहुत ही पौराणिक और बहुत पुराना, मतलब ये भक्तगण ऊपर चढ़ रहे हैं, हम भी ऊपर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं माँ के दरबार में। ये हमारी माता जी हैं, माँ सुरेश्वरी देवी, और हमारे महाराज पुजारी जी महाराज हैं, इनको जो है। और हम लोग अभी पहुँचे हैं, लगभग आधा घंटा लग गया, और इतना बढ़िया लग रहा है, इतना शांति महसूस हो रहा है कि आपसे क्या बताएं। और बहुत शक्तिपीठ है ये माँ का, मतलब हम तो कई बार आ चुके थे, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे एक बार अवश्य आएँ और देखें यहाँ की शक्ति के बारे में। मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, शांति मिलती है माँ के दरबार में आने से। और ये जो दृश्य दिख रहा है चारों तरफ, ये प्रांगण जो दिख रहे हैं, इतना शांति माहौल है, कुछ नहीं, कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन कुछ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, कोई मतलब एकदम शांति जगह है। आपसे मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा मैंने शांति महसूस हो रहा है मुझे। और ये माँ है, माँ से आशीर्वाद लीजिए आप लोग। ये शक्तिपीठ है, इनकी बहुत बड़ी कृपा है, और इनका कृपा हमेशा बने रहे आप लोगों के ऊपर, मैं ही कामना करता हूँ। बाकी ये देखिए दृश्य चारों तरफ, सब भक्तगण आके अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये जो बरगद का पेड़ जो बोलते हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही शक्ति जगह वो भी है। और ये हवन कुंड है हमारे सामने, और बाकी आप लोग के सामने है। तो जय माँ सुरेश्वरी देवी, सबको रक्षा करना माँ, सबको स्वस्थ और मस्त रखना माता जी, जय माँ सुरेश्वरी देवी। तो गाइस फिर आपको मैं जय माँ काली, काली हैं ऊपर, काली के पास लेके चल रहा हूँ। ये मुख्य गेट है उनका काली का, और ये जो ऊपर जाने का मार्ग है, ये ऊपर है माता काली, और इनके पास हम लोग को चलना है। और ये जय माँ काली, ये जो है गणेश जी हैं, और ये देखिए ये जो दृश्य है, कितना अच्छा। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये सोलर पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं है। जो बाहर से लाइटें आती हैं, जो तार वगैरह होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सोलर पॉइंट ही काम करता है यहाँ के लाइट के लिए और सारा कुछ। और ये सब कुछ दिख रहा है। बाकी जो है हम माँ के दरबार में पहुँचने वाले हैं, तो गाइस लगे रहिए साथ में। बाकी जो है आपको और कुछ दिखा रहा हूँ। गाइस ये माँ काली हैं, और माँ काली का अभी गेट बंद है, ताला बंद है। और ये देखिए दर्शन कीजिए माँ काली का। जय माँ काली, आपकी बहुत बड़ी माया है हे माँ। और ये सबसे हिल पे हैं, मतलब ऊंचाई पे हैं माता काली। और ये देखिए मंदिर, हम लोग कितना ऊपर हैं। और जो मार्ग है वो बहुत ही, ये गाड़ी नीचे देखिए आप लोग, हमारी गाड़ी वो पेड़ के पास खड़ी है। और सब लोग भक्तगण आ रहे हैं माँ काली का दर्शन करने। तो गाइस ये देखिए निर्माण कार्य चालू है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है,
माँ के दरबार में बहुत भीड़ होता है। अभी मैं पुजारी से बात किया तो पता चला कि इस मार्ग में पानी, जो मैं बताया था ना कई राउंड पानी वगैरह आना जाना, तो इसलिए वहाँ पे सब पाइपें लगाई जा रही हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगह है ये सब। माँ के दरबार में बना हुआ है और सारा चीज़ जो है गाइस, जैसे कि आपको बताया हमने, अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं और पुजारी जी महाराज जी से आशीर्वाद ले चुके हैं और ऊपर माँ काली के पास भी गए थे, आप लोग देख ही रहे हैं। तो शांति, मतलब मज़ा आ गया आज माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद। और ये सीढ़ी है, मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लुक और इस समय इतना अच्छा लग रहा है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर आप अगर हरिद्वार में हैं तो एक बार माँ सुरेश्वरी के दर्शन करें। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, फिर यहाँ का चमत्कार देखें। और जो बाहर के गाइस हैं उनके लिए मैं भी बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो वेलकम टू माँ सुरेश्वरी देवी, आप लोग पर वहाँ कृपा बनाए रखें, ये मैं कामना करता हूँ। जय माँ सुरेश्वरी देवी, जय माँ गंगे।